नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल की विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक भूगोल की विचारधाराओं में राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा, राजनीतिक परिस्थिति की संबंधी विचारधारा और जीव संबंधी विचारधारा का विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। राजनीतिक भूगोल वास्तव में मानव भूगोल का ही एक अंग है, फिर भी दोनों के अध्ययन की विधियों में पर्याप्त भिन्नता है। एक ओर जहाँ मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों का और पर्यावरण के तत्वों का आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, वहीं राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक आधार पर संगठित क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मूडी ने लिखा है कि धरातल क्षेत्र राजनीतिक इकाई की भौगोलिक आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी राज्य शून्य में बिना धरातलीय क्षेत्र के रूप में नहीं हो सकता। कोई भी धरातलीय क्षेत्र बिना मानव के राज्य इकाई नहीं बन सकता। राजनीतिक भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं को समझने से पूर्व इनका विषय क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय बहुत आवश्यक है। राजनीतिक भूगोल एक गतिशील विषय है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रारंभ में राजनीतिक भूगोल के आंतरिक व बाह्य पक्षों का ही अध्ययन करता था, किंतु बाद में विश्व के विभिन्न भागों में राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण समय समय पर इसमें नवीन विषय जुड़ते चले गए। आज राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठनों का भूगोल भी राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु बन गया है। ये संगठन किसी राज्य के बाह्य अंतर संबंधों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। अतः राज्यों के आपसी संबंधों के अतिरिक्त अंतरिक्ष ने भी अराजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पर्यावरणीय अपचरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने की अहम भूमिका रही है। बहुत से राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के पर्यावरण की कीमत पर अपने आर्थिक विकास की पद्धति को अपनाते जा रहे हैं, जो एक गंभीर चिंतन का विषय है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल की विभिन्न विचारधाराएं परिवर्तित राजनीतिक भूगोल की राजनीतिक एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। विचारधाराएं, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल एक गतिशील विज्ञान होने के कारण समय समय पर इसमें विचारों में परिवर्तन आने के कारण विभिन्न विचारधाराओं का उद्भव होता रहा है। वास्तव में रेडजेल ने 1897 में की राजनीतिक भूगोल के प्रकाशन से ही इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया। प्राचीन विद्वानों ने पर्यावरण से प्रभावित होकर राजनीतिक कार्यों की विविधताओं के पर्यावरण की देन बताया। राजनीतिक भूगोल को विकसित करने में 19वीं शताब्दी में कांट, हम्बोल्ट, रिटर आदि का बहुत योगदान है। डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के पश्चात ये विषय भार अधिक विकसित हुआ तथा प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जर्मन भू राजनीतिक के रूप में ये विषय बहुत लोकप्रिय रहा। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने इसे पृथक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा, पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल। इसे फ्रांसीसी विचारधारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वानों ने ही राज्य का अध्ययन राजनीतिक भूदृश्यावली की व्याख्या के रूप में किया। यदि भी उनका दृष्टिकोण सीमित था, इस विचारधारा की विशेषता क्षेत्रीय दृष्टिकोण कही जा सकती है। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक भूगोल का प्रमुख लक्ष्य राज्य के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचार का अध्ययन करना है। इस विचारधारा में चार तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर एक, राज्य या क्षेत्र के क्षेत्रीय लक्षण जैसे स्थिति, विस्तार, आकार, स्थल क्रोड एवं नाभि क्षेत्र, विभिन्न स्तरों की प्रशासकीय इकाइयां जैसे राजधानी, उपराजनीतिक इकाइयां, पदानुक्रम, स्थानीय एवं उपप्रांतीय क्षेत्र, प्रांत आदि। आंतरिक स्वरूप, मानव आधारित विविधताएं, जाति, धर्म, भाषा, दल, राजनीतिक संबंध आदि का एवं उनका वितरण, इससे प्राप्त विशेषताएं। नंबर तीन, अंतिम तत्व, इसमें सीमाएं व स्वरूप, विविधताओं, विवादास्पद क्षेत्रों, सुरक्षात्मक स्थिति, सैन्यकृत व असैन्यकृत सीमाएं, अंतिम बिंदु आदि को सम्मिलित किया गया। बाह्य स्वरूप, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समूहीकरण, औपनिवेशिक स्वरूप, अन्य समझौतों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य के बाह्य तत्व के अंतर्गत विभिन्न देशों से संबंध, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों के प्रारूप और उन प्रारूपों का राज्य के संबंधों को समझा जा सकता है। उपयुक्त तथ्यों को संक्षिप्त में निम्न प्रकार हम देख सकते हैं। राज्य या क्षेत्र, वर्तमान विश्व में प्रत्येक राजनीतिक इकाई या सुनिश्चित क्षेत्र होता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र शून्य में बिना धरातल के राज्य के रूप में नहीं हो सकता।
अर्थात बिना धरातलीय क्षेत्र के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार सभी तत्व राज्य के विस्तार एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। इन तथ्यों की अनुकूलता से ही किसी राज्य की शक्ति एवं एकता निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन की विश्व में केंद्रीय व सामुद्रिक स्थिति ने ही उसे शक्तिशाली विकसित राष्ट्र बनाया, जिससे साम्राज्य का कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। इस प्रकार रूस के विशाल आकार ने उसे गहनता से डिफेंस इन डेप्थ सुरक्षा का गुण प्रदान किया, जिसके कारण वह बाह्य आक्रमणों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम रहा। तो किसी राज्य के लिए एरिया या क्षेत्रफल होना अति आवश्यक है। नंबर दो, आंतरिक स्वरूप इंटरनल पैटर्न भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा के अनुसार किसी राज्य का आंतरिक स्वरूप महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जातियाँ, राजनीतिक दल किसी राज्य को एक सूत्र में बांधते हैं। ये तथ्य किसी राज्य की आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इन कारकों जैसे चाहे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर या पॉलिटिकल जो पार्टी हैं उनके आधार पर भी हम देश को नियंत्रित और कंट्रोल करते हैं। अंतिम तत्व टर्मिनल एलिमेंट, राज्य के अंतिम तत्व सीमाएँ हैं, बाउंड्रीज तथा सीमांत क्षेत्र बाउंड्रीज फ्रंटियर्स होते हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक करते हैं। इसमें सीमाओं की आकृति, सीमांत क्षेत्र, सीमा व अंतस्थल संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी भी राज्य के लिए उसकी सीमाओं का सुरक्षित रहना उसके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व है। टर्मिनल जो एलिमेंट्स है उसमें सीमाएं आती हैं, और सीमाएं वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक देश प्रदेश या की अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है और दूसरे का प्रारंभ होता है। बाह्य स्वरूप, इस तथ्य में राज्य के विभिन्न देशों के संबंधों को समृद्ध किया जाता है, क्योंकि कोई भी राज्य एका के रूप में नहीं रह सकता। विभिन्न प्रकार के सहयोग के लिए उसे अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी वस्तु की जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, तो इसमें राजनीतिक संबंध रखना अति आवश्यक है तथा कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने पड़ते हैं। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं वहाँ अपने, और वहाँ पर विकास कार्यों के साथ साथ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। उपयुक्त विचारधारा की कई विद्वानों ने यह कहकर आलोचना की कि यह एक संकुचित विचारधारा है, क्योंकि इसमें राज्य के स्थायी तत्वों का तो अध्ययन किया जाता है किंतु राज्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है राजनीतिक पारिस्थितिक संबंधी विचारधारा, पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कोप। इस विचारधारा का जन्म सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा हुआ, जिसमें राज्य और उसके पर्यावरणीय अंतर संबंधों के अध्ययन को राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू समझा गया। इस विचारधारा के अंतर्गत भूदृश्यावली के विपरीत राज्य की अपेक्षा मानव एवं मानव समुदाय के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया तथा क्षेत्र को कम महत्व दिया गया। इसमें राज्य के मानव समूह शक्ति संचय हेतु राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के बीच संसाधनों के नियोजन एवं समायोजन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक भूगोल विभिन्न मानव समूहों का अध्ययन भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से करता है। इस विचारधारा को समझने के लिए हमें निम्न तथ्यों को समझना आवश्यक है। नंबर एक, मानव समूह ह्यूमन ग्रुप्स, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, जातीय स्वरूप, निवास क्षेत्र हैबिटेट्स, इसे पारिस्थिति भी कह सकते हैं, जिसमें स्थिति विस्तार संसाधन क्षेत्रीय विस्तार का अध्ययन करते हैं। नंबर दो, मानव समुदाय के पोषण हेतु अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स, संसाधन विधोन के का स्वरूप उसके विविध पक्ष, उद्योग एवं संसाधन, संसाधन बहुलता एवं अभाव, संरक्षण, संसाधनों का व्यापार अर्थात संसाधन विनिमय। नंबर तीन आता है मानव समुदाय का राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज और ह्यूमन ग्रुप्स, इसे प्रशासनिक स्वरूप भी कह सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था होती है, राष्ट्रीय स्तर सरकार व्यवस्था, प्रादेशिक सरकार व्यवस्था और स्थानीय सरकार व्यवस्था, जो हम देखते हैं केंद्र का, प्रदेश का और स्थानीय प्रशासन। नंबर चार आता है सीमा प्रबंधन बाउंड्री मैनेजमेंट, सीमा निर्धारण, सीमांकन, सीमा संबंधी समस्या अथवा विवादास्पद बिंदु, वातावरण के तत्वों के साथ अंतर संबंध। पाँच आता है राज्य का बाह्य सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और विस्तारित क्रियाएँ, शांति योजना, व्यापार कार्यक्रम, युद्ध संबंधी योजना, अन्य उपयुक्त तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मानव समूह के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मानव समूह पाए जाते हैं, ये मानव समुदाय राज्य के अंग कहलाते हैं, अतः मानव अथवा जनसंख्या विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता आदि का अध्ययन राज्य के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। जहाँ एक और किसी क्षेत्र की स्थिति विस्तार के अध्ययन के लिए साथ ही दूसरी ओर मानव समुदाय के जन्म और जातिगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। मानव समुदाय के पोषण हेतु अर्थव्यवस्था,
किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति का आधार संसाधन विदोहन की मात्रा और स्तर पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितना हम उनका उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु संसाधनों की उपलब्धता, मात्रा, उनके उपयोग की तकनीकी की आवश्यकता होती है, जिनके सहयोग से मानव समुदाय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इस विचार के अनुसार राज्य की प्रगति के लिए मानव समुदाय नवीन संसाधनों की खोज करता है। अतः किसी भी राज्य की प्रगति में प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय प्रयत्न दोनों का ही समान महत्व होता है। नंबर 3, मानव समुदाय का राजनीतिक संगठन। किसी भी सुनियोजित संगठन में प्रशासकीय पदानुक्रम होता है जिसके आधार पर राज्य की प्रशासनिक क्रियाएँ संपादित होती हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, अन्य उप विभाग जैसे जिला, तहसील, नगर पालिका आदि को सम्मिलित किया जाता है। जो हमारे संगठन हैं ऊपर से लेकर केंद्र से लेकर लोकल स्तर पर जो प्रशासनिक बॉडी होती हैं राजनीतिक और प्रशासनिक, उनका अध्ययन इसमें शामिल है। सीमा प्रबंध। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य की सीमाएँ सीमांत का विशेष महत्व होता है। सीमाओं का निर्धारण, उसके मापदंड, सीमा विवाद से विभिन्न कारण एवं निदान, सीमाओं का प्राकृतिक तत्वों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन राजनीतिक भूगोल का मूल लक्ष्य है। नंबर 5, राज्य का बाह्य सामंजस्य। राज्य की विश्व में क्या स्थिति है इस बात को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि राज्य के बाहरी समझौतों का क्या स्वरूप है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संगठन एवं योजना, युद्ध एवं शांति काल का बोध भी बाह्य सामंजस्य के द्वारा ही होता है। तो राज्य का विभिन्न देशों के साथ में हमारा क्या समझौते हैं, चाहे वो सीमा संबंधित हैं, चाहे युद्ध संबंधित हैं। जिस प्रकार से अभी आपने चाइना में देखा होगा कि वहाँ पर हम हथियार नहीं रख सकते थे, तो उसमें जो अतिक्रमण हुआ या उसमें घुसपैठ हुई तो वहाँ पर सैनिक शारीरिक रूप से ही लड़े, न कि किसी हथियार का प्रयोग किया। तो वो हमारे किसी समझौते के तहत, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत में हथियार रखने की बाध्यता थी। नेक्स्ट है जीव संबंधी विचारधारा। इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1896 में सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता केजेरन ने इस भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स का नाम दिया। भू राजनीति में एक जर्मन भाषा के एक शब्द लेबंसराम का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है निर्वाह क्षेत्र या जीने के लिए क्षेत्र। प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक लेबंसराम की आकांक्षा रखता है, अर्थात विस्तार की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए क्षेत्र को विस्तार वाली विचारधारा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कालांतर में जर्मन भूराजनीतिक कार्ल हार्शोफर ने इस विचारधारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। केजेरन ने राज्य को एक जीव के रूप में सक्रिय तत्व की स्वीकार किया। उसने जीव संबंधी विचारधारा को बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि राज्य एक जीवित प्राणी है जिसका शरीर श्रेणी स्थान से निर्मित है। सीमाएं राज्य का अंतिम अवयव हैं। उत्पादन क्षेत्र उसकी मांसपेशियां हैं। सड़क, रेल, जलमार्ग, रक्त वाहनी प्रणाली हैं तथा प्रशासकीय राजधानी उसका मस्तिष्क और हृदय और फेफड़े हैं। तो किस प्रकार से एक राज्य के विभिन्न अवयव हैं, जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंग होते हैं, उसके रूप में आपके इसको केजरन ने इसकी व्याख्या की है। यदि इसमें हम इसकी अंग्रेजी व्याख्या देखें, द स्टेट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंटेन्स द टेरिटोरियल स्पेस दैट द बाउंड्रीज आर द एंड ऑर्गन ऑफ द स्टेट द प्रोड्यूसिंग रीजन आर द लिमिट दैट रोड रेलवे वाटरवेज एंड द सर्कुलरली सिस्टम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज ब्रेन हार्ट एंड लंग्स। ये इसी का अंग्रेजी रूपांतरण है। अभी हमने इस विचारधारा के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया, इसमें स्थिति, प्रवेशता, सामरिक विशेषताएं, 2 विस्तार, 3 आकार, 4 उच्चावच और 5 प्राकृतिक संसाधन। जो हम किसी राज्य के उसके बारे में हम सबसे पहले हम चाहे किसी भी राज्य का नाम लें, जैसे राजस्थान का भूगोल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो सबसे पहले राजस्थान की लोकेशन क्या है, अवस्थिति, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना क्षेत्रफल है, आकार किस प्रकार का है, उच्चावच पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद में मानव, जिसमें हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, मानव एवं प्रजा, पीपल, प्रजाति और प्रजाति समूह, जनसंख्या, मात्रा एवं घनत्व, सांस्कृतिक मौलिकता, शिक्षा, तकनीकी, अर्थव्यवस्था, उद्योग, परिवहन, व्यापार, उत्पादन और उत्पादनशीलता का हम अध्ययन करते हैं। राज्य के अंग, इसमें राजधानी, केंद्रीय क्षेत्र,
विस्तार, सीमाएं, तटस्थ क्षेत्र, उपनिवेश, भूमि, समुद्र, वायुमंडल में विस्तृत अधिकार क्षेत्र, जिसमें चाहे समुद्र में अंदर और वायुमंडल के, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारी वायु सीमाएं होती हैं उसमें दूसरे देश के, उसको हम हमारी अनुमति से ही वो प्रवेश कर पाते हैं, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और जनसंख्या के संयुक्त अंग, उपयुक्त तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाएँ, राज्य के प्राकृतिक स्वरूप में स्थिति, आकार और विस्तार का अध्ययन राज्य की सुरक्षा, सामरिक कौशल, भेदता, प्रवेशता आदि दृष्टि से आवश्यक है। इस प्रकार गहनता व प्रतिरक्षा की दृष्टि से, आकार भेदता की दृष्टि से, आकृति पहुंच की दृष्टि से धरातलीय विशेषताएं और प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध किया जाता है। उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, तटरेखा आदि के साथ क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन, मिट्टी आदि के उत्पादन व वितरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। जनसंख्या, जीव संबंधी विचारधारा में मानव समूह व भौगोलिक क्षेत्र के मध्य समायोजन का विचार होने के कारण जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, जैसे सांस्कृतिक वातावरण, पर्यावरण, जनसंख्या वितरण, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, जातीयता, आर्थिक दशाओं, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के अंग, इस विचारधारा में चूंकि राज्य की एक जीवित इकाई माना गया है, अतः राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को शरीर के विभिन्न अंगों की भांति नाम दिया गया है। शरीर के संचालन के लिए प्रत्येक छोटे छोटे अंग का अपना विशिष्ट महत्व होता है तथा एक अंग दूसरे अंग से पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है, अर्थात एक अंग की कार्यकुशलता दूसरे अंग के सहयोग पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, हम एक अंग दूसरे अंग का पूरक होता है। राज्य के अंगों में राजधानी, नाभिकीय क्षेत्र, यातायात के साधन, सीमाएँ, प्रशासनिक विभाग, उपनिवेश विस्तारित क्षेत्र आदि का शासन तंत्र में महत्व होता है और किसी राज्य की प्रगति एवं कार्यकुशलता इन्हीं अंगों पर, कि ये कितने परफेक्ट हैं, जितने परफेक्ट होंगे राज्य भी उतना ही विकसित होगा। नंबर 4, राज्य एवं जनसंख्या में संयुक्त अंग, जिस प्रकार शरीर में शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों में स्वस्थ शरीर का विकास संभव है, उसी प्रकार किसी राज्य के सफल संचालन में क्षेत्रीय तत्वों के साथ जनसंख्या में गुणात्मक क्वालिटी गुण होना आवश्यक है। गुणात्मक विकास और उनसे संबंधित समस्याओं, उनसे निराकरण के उपायों का अध्ययन किया जाता है तथा राज्य की सीमाएं, उनका विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति आदि का राज्य के क्षेत्रीय अंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल में यद्यपि विभिन्न विचारधाराएँ प्रचलित हैं जिनका अध्ययन पद्धतियों में मिलता है, किंतु समग्र रूप से इसका उद्देश्य राज्य का भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। तो आज के वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल संबंधी विचारधाराओं का अध्ययन किया कि ये किस प्रकार से एक जीव संबंधी विचारधारा आपके और राजनीतिक पारिस्थितिक संबंधी विचारधारा और भूदृश्यावली, राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा, पॉलिटिकल लैंडस्केप थ्योरी या स्कूल का हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।